रागिनी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की है। रागिनी को रोज नए नए लड़कों के मजे लेने का शौक है, वो इसके लिए पैसे भी पे करती है। तो बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं इस शानदार हाउस से भरी हुई वेब सीरीज को और मिलते हैं वीडियो के एंड में। रात के अंधेरे में रेड लाइट एरिया दिखाया जाता है। दो लड़के रोहन और करण मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। रोहन कहता है बहुत मालदार पार्टी है। तो तभी वहाँ तेजी से आकर एक कार रुकती है। कार के अंदर एक बहुत ही सेक्सी जवान खूबसूरत लड़की बैठी है। ये लड़की है रागिनी। रागिनी इशारा करके रोहन को अपने पास बुलाती है। रागिनी रोहन से कहती है चले। रोहन कहता है हर घंटे के हिसाब से चार्ज करता हूँ मैं मैडम। रागिनी कहती है बैठो। रोहन कार में बैठ जाता है। इसके बाद एक डांसिंग कार सुनसान रोड पर दिखाई देती है। अरे ये वही कार है, लगता है रागिनी MMS 2 शूट हो रहा है। रागिनी नीचे रोहन ऊपर और पूरे मजे लेने के बाद रागिनी रोहन को पैसे दे देती है। रोहन कहता है तुम्हारे में कुछ तो बात है, तुम चाहो तो हम रोज मिल सकते हैं। रागिनी कहती है तुम अपना काम करो, मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। अब रात हो चुकी है और मगन खाना तैयार कर रहा होता है। तभी विशाल आता है और मगन से पूछता है रागिनी कहाँ है। छगन कहता है अभी तो नहीं आई है। अब रागिनी घर आती है। विशाल पूछता है लेट क्यों आई हो। वो कहती है मैं अपनी मर्जी से आऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी, मुझे टोकना बंद करो। विशाल कहता है अपनी मर्जी से शादी तो की थी तुमने, फिर यहाँ क्या कर रही हो, अपने पति के घर पे जाओ। रागिनी कहती है मेरी उससे नहीं बनी इसलिए वापस आ गई, वो 50,000 कमाता महीने का और मैं ऐसी गरीबी में नहीं रह सकती। वो मगन को कहती है खाना मेरे रूम के अंदर ले आ। अगले दिन सुबह विशाल घूमने जाता है और वहाँ उसे मिलता है नीरज। विशाल नीरज से रागिनी के बारे में बात करता है। जब वो जाने लगता है तब उसे समीर का फोन आता है। समीर रागिनी का पति है। वो विशाल से कहता है आप समझाइए रागिनी को, नहीं तो मैं ज्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता। आगे रागिनी अपने रूम में सोई हुई है, सुबह के 8 बज चुके हैं फिर भी उठती नहीं है। तब मगन उसके लिए कॉफी लेकर जाता है। रागिनी को देखकर उसका मन मचल जाता है। थोड़ी देर तक वो उसको ऐसे ही देखता रहता है और उसको छूने की कोशिश करता है। तभी रागिनी जाग जाती है। रागिनी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सुबह सुबह आपके लिए कॉफी लेके आया हूँ। 8 बज गए हैं, पापा ब्रेकफास्ट के लिए आपका वेट कर रहे होंगे, आपको डांटेंगे। रागिनी कहती है तुम ही मेरी केयर करते हो इस घर में। फिर रागिनी नाश्ता करने जाती है बिना मुंह धोए और विशाल उससे डांट देता है बिना मुंह धोए नाश्ता की टेबल पर आने का क्या मतलब है। फिर रागिनी बोलती है 8 बजे आना तो ऐसे ही आऊंगी। फिर रागिनी विशाल से 25,000 रुपए मांगती है क्योंकि उसे कपड़े खरीदने हैं। विशाल रागिनी को पैसे नहीं देता है और उसे अच्छे से सुना देता है। विशाल बोलता है अगर तुम ठीक से नहीं रहोगी तो सारे पैसे मैं NGO को दे दूंगा पर तुम्हें नहीं। आगे रागिनी को उसकी दोस्त प्रीति का फोन आता है। वो कहती है आज शाम को आ रही है ना पार्टी में। रागिनी कहती है कहाँ यार, पापा पैसे देने से मना कर रहे हैं। तब प्रीति कहती है ऐसा मत बोल यार, मैंने तुम्हारे भरोसे ही पार्टी रखी है। रागिनी बोलती है तो टेंशन मत ले, मैं पैसे तो लेकर आऊंगी। फिर रागिनी मगन को फंसाती है। वो उसे कहती है कि इस घर में तुम ही हो जो मेरी फिक्र करते हो, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। मगन कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। रागिनी कहती है पापा की अलमारी में से मेरे लिए पैसे निकाल कर दे दो। मगन पैसे निकाल कर रागिनी को देने जाता है। विशाल जब नहाकर बाहर आता है तो उसे अलमारी खुली मिलती है। वो चेक करता है तो उसमें पैसे नहीं होते। मगन पैसे रागिनी को दे देता है। तभी विशाल पीछे से आकर मगन से पूछता है कि अलमारी में से पैसे तुमने क्यों निकाले। वो घबरा जाता है। रागिनी पैसे को अपने पीछे डाल लेती है। विशाल कहता है ऐसे नहीं बताएगा, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जब विशाल पुलिस को फोन कर रहा होता है तभी रागिनी मगन को डांटने लगती है तुझे पैसे चाहिए थे तो पापा से मांग लेता, चोरी क्यों की, तेरी माँ बीमार है तो क्या हुआ। विशाल मगन से कहता है कि तेरी माँ बीमार है। वो कहता है हाँ तो मुझसे क्यों नहीं कहा, ठीक है वो पैसे अपनी माँ को दे देना। फिर विशाल चला जाता है। अब रागिनी पैसे बाहर निकालती है और बहुत हंसती है। शाम को रागिनी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और मगन बाहर से उसे छुप छुप कर देखता है और खूब मजे लेता है। रागिनी पार्टी में जाते टाइम मगन को भी थोड़े पैसे दे देती है। रात को विशाल घर में बैठा होता है तभी रागिनी नशे में घर आती है। गुस्से में विशाल रागिनी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। रागिनी कहती है आज हाथ उठा लिया, आज की बात मत उठा लेना, रही बात पति के घर जाने की तो मैं कभी नहीं जाने वाली। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। सुबह रागिनी सो रही होती है तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। वो देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है। रागिनी उठकर गुस्से में विशाल के पास पहुंच जाती है और बोलती है आपने मेरे क्रेडिट कार्ड को क्यों ब्लॉक किया। विशाल कहता है इस घर में रहना है तो रहो, खाना खाना तो खाओ, जितना चाहो उतना खा सकती हो, पर अगर तुम्हें अपनी अय्याशी पूरी करनी है तो इसके लिए तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। शाम को रागिनी उसी रेड लाइट एरिया में पहुंच जाती है पर अब वो पैसे उड़ाने नहीं पैसे कमाने आई है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मजे तो वैसे भी आ रहे हैं। फिर उसे एक लड़का मिलता है, वो उसे अपने ही घर पर ले आती है। मगर उन दोनों को छुपकर देखता है। काम पूरा करने के बाद वो लड़का पैसे देकर चला जाता है। सुबह नाश्ते के टाइम मगन विशाल को लड़के के बारे में बता देता है। विशाल रागिनी को बुलाता है और पूछता है कि तुम रात को किसी लड़के को लेकर आई थी। रागिनी कहती है आप ही ने तो कहा था पैसे कमाने को। विशाल रागिनी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और घर से बाहर निकाल देता है। रागिनी सामान लेकर अपने पति समीर के घर जाती है। वहाँ जाकर कहती है कि अब मैं यही रहूंगी, तुम तो अपने लिए कोई और घर ढूंढ लो। समीर कहता है कि पापा ने मुझे सब बता दिया है, यहाँ से निकलो तुम, मैं खुद तुमको डाइवोर्स देने वाला हूँ। रागिनी कहती है मैं तुम पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूंगी और सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, पर समीर उससे नहीं डरता है और रागिनी को घर से बाहर निकाल देता है। आगे विशाल का दोस्त उसे कहता है कि रागिनी बिगड़ी हुई है पर तुम्हें उसे समझाना होगा, अभी फोन करके वापस बुलाओ उसे। विशाल फोन करता है पर रागिनी का फोन नहीं लगता। रागिनी रात में सामान लिए भटक
रही है, तभी एक गाड़ी आती है और उसे जबरदस्ती गाड़ी के अंदर डालकर ले जाते हैं। अगली सुबह विशाल फिर से रागिनी का फोन ट्राई करता है, पर फोन नहीं लगता है। विशाल पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। एक हफ्ता होने पर भी रागिनी का कुछ पता नहीं चलता है। विशाल अपने दोस्त नीरज, समीर और मगन के साथ होता है। विशाल कहता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ है, तो अपनी पूरी कमाई 25 लाख रुपए देकर भी उसे ले आऊंगा। फिर उसी रात विशाल के घर की डोरबेल बजती है। विशाल देखता है तो उसे बाहर एक लेटर मिलता है। उस पर लिखा होता है, रागिनी हमारे पास है, 25 लाख रुपए दे जा और अपनी बेटी ले जा, पुलिस को मत बताना वरना। विशाल सोचता है कि 25 लाख रुपए की बात तो सिर्फ 3 लोगों के सामने हुई थी और किन्ने पर ने भी पैसे उसी हिसाब से मांगे है। फिर विशाल किसी को फोन करता है। अगले दिन विशाल वो लेटर अपने दोस्त नीरज और समीर को दिखाता है। समीर कहता है हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, पर विशाल कहता है नहीं, इससे रागिनी की जान को खतरा हो सकता है, मैं 25 लाख देकर रागिनी को छुड़ा लूंगा। तभी विशाल को याद आता है कि कल तो संडे है, इतने पैसे कहां से लेके आऊंगा। अगली सुबह विशाल को फिर एक लेटर मिलता है। उस पर लिखा होता है, पैसे आज नहीं, सोमवार सुबह उसी जगह लेकर आना। विशाल को शक होता है कि तीनों में से कोई एक तो मिला हुआ है। तभी वहां समीर आता है और पूछता है कि पैसों का इंतजाम हुआ। तब विशाल कहता है नहीं हुआ, पर मैं कर लूंगा। समीर कहता है मेरे पास होते तो मैं जरूर मदद करता। तब विशाल कहता है मैं इंतजाम कर लूंगा। फिर विशाल को समीर पे शक होता है। वो छिप कर उसके घर जाता है ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। समीर के घर जाकर विशाल देखता है कि समीर की किसी ने हत्या कर दी है। फिर विशाल पुलिस को बुलाता है। पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। विशाल सोचता है कि किडनैपर को पता चल गया था कि मुझे समीर पर शक हो गया है, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया। फिर जब वो वापस घर आता है तो मगन किसी से बात कर रहा होता है। विशाल को देखते ही वो फोन काट देता है। अगले दिन विशाल मगन को कहता है मैं बैंक पैसे निकलवाने जा रहा हूँ। विशाल के जाने के बाद मगन घर पर लॉक लगाकर बाहर जाता है। विशाल को उस पर पहले से ही शक था, इसीलिए वो छिपकर मगन का पीछा करना शुरू कर देता है। मगन एक घर में जाता है। तब विशाल अपने दोस्त को फोन कर अपनी लोकेशन भेजता है और पुलिस को साथ लाने के लिए कहता है। मगन घर के अंदर जाता है। अंदर रागिनी होती है। अब सामने आती है सच्चाई। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि समीर को मगन ने ही मारा था, क्योंकि उसने उसे रागिनी से बातें करते हुए सुन लिया था। तभी विशाल भी सामने आ जाता है तो वो विशाल को मारने की कोशिश करती है, पर तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और रागिनी और मगन दोनों को पकड़ देती है। और यहाँ पे होती है इस सीरीज की सैड एंडिंग।